क्या सोच कर आए हैं यहाँ आप? बलजीत रेड्डू को वोट देंगे? कांग्रेस की नई सरकार बनावांगे? मोदी की कोई बना देख खोजी हमने तो मोदी की बात। बलजीत रेड्डू जी कर देगा, इसको टिकट मिलेगी। हाँ जी, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का। कांग्रेस की नीतियों में यह खास बात लग गए, वे इसमें ना तो इतने आंदोलन हुए थे ना इतनी मारकाट हुई, जिसमें किसान आंदोलन था लेके हमें बहुत तंग पाए। पट्टा गोल ये करती है, एक तो बच्चों के रोजगार, फिर भ्रष्टाचार। ये बीजेपी की तानाशाही सरकार से तंग आ चुके हैं और उससे हिसाब मांग रहे। आने वाला टाइम भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है। इतने बड़े बड़े वादे करके कोई वादा भी पूरा नहीं किया और हर प्रकार से जनता को, किसानों को, जवानों को जो तंग किया है। जींद में से सारी सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी पांच की पांच लेके जाए। कैसे जीतेंगी ये देख लेना, आपके सामने जनता तंग है बीजेपी सरकार से। आप देख रहे हैं सत्य खबर, इस वक्त हम जींद में हैं। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से है आज। इस अभियान को लेकर आज कांग्रेस का कार्यक्रम जींद में है। यहां से कार्यक्रम शुरू होना, पद यात्रा निकलनी है। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बलजीत रेड्डू के इंतजाम है काफ़ी सारे, और जो लोग ये इस यात्रा में आए हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के बारे में वो क्या सोचते हैं। मैं आपके हमारे कैमरे से आप देख सकते हैं कि जितनी भीड़ है, लोग ये झंडे लेकर और ये बैनर लेके आए हैं। ये बलजीत रेड्डू के हैं, पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने समर्थकों के झंडों के साथ आए, बैनर लेके आए। ये किसके नाम का उठा रखे आप? ये बलजीत रेड्डू का। क्या माहौल है कांग्रेस का? माहौल कांग्रेस का। अच्छा, इस यात्रा से कितना प्रभाव पड़ने वाला है कांग्रेस? बलजीत रेड्डू का। क्या सोच कर आए हैं यहाँ आप? बलजीत रेड्डू को वोट देंगे। दीपेंद्र, दीपेंद्र, दीपेंद्र से मिले हो कभी? भूपेंद्र से मिले हैं। कहाँ से? गांव जुलानी से है। एक और आए हैं, वर्कर है शायद, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, जीत में बड़ी लला लला हो रही है, भंगर की धरती पर कांग्रेस जीत नहीं पाई, इस बार क्या लगता है? इसकी बात बलजीत रेड्डू जीत कर देगा, इसको टिकट मिलेगी। हाँ जी, क्यों क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों लगता है आपको? समाज सेवक इससे बड़ा कोई नहीं है जी, ने आज तक आया नहीं। जितनी समाज की सेवा यू करे, देखिए पानी, बेटियों के लिए बस की सेवा, चच्चा बच्चा के लिए 5 किलो घी, बुजुर्गों को हरिद्वार नुहाना, महिलाओं को हरिद्वार नुहाना, कुरुक्षेत्र नुहाना, और इससे बड़ा और क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तो बलजीत रेड्डू के बहुत ज्यादा समर्थक आए हुए हैं, और भी मैं जानना चाहती हूँ माहौल, माहौल क्या है इस बार? इस बार महंगाई का मुद्दा है, नेता सारे नेता यहाँ, सारे टिकट लेने वाले हैं, 35 आदमी है, 35 आदमी। आप मुझे ये बताएं कि इस बार चुनाव होना 3 महीने के बाद, जैसा कि भाई ने कहा, मतलब क्या मुद्दे हैं थोड़े शब्दों में? देखियो, पहली बात तो सत्ता कर्मियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया। पहली बात तो आपने सारी बात आप ज्ञान है, कम शब्दों में बताएं, कम शब्दों में। बातें मेरे पास ज्यादा हैं, आप कम कह रहे हो, आप मुद्दे जिक्र करें। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस सरकार ने दलितों के खिलाफ, बैकलोड के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, चाहे वो किसानों का 750 किसानों का जिक्र कर लो आप, चाहे वो दलित समाज का जो संविधान रख सके का जिक्र कर लो, संविधान तोड़ने की बात का जिक्र कर लो, जिसके तहत हरियाणा के अंदर 10 सीटों में से हमारी 9 थी, हमारी 5 सीट आई है। एक बात बताओ, जो आप मुद्दे लेकर चल रहे हैं उनसे सरकार आने की उम्मीद है कांग्रेस की? पक्की। मैडम जी, मैं आपके माध्यम चलने के मैं बताना चाहता हूँ, हमारी दो हमारी बाप 19 के मैं का जिक्र करूँ, हमारा एक भी MP नहीं था, हमारे 31 MLA विधायक बने थे, आज हमारे पास 5 MP हैं, और मैं प्रेसिडेंट का, हमारी 47% वोट बनी है, बड़ी है, अब पूरा भारत में सबसे ज़्यादा वोटा प्रेसिडेंट हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मैं और युवाओं से भी बात करूँगी। टी शर्ट पहन रखी है बलजीत रेड्डू की, ये बलजीत रेड्डू की टी शर्ट पहन रखी है, क्या लगता है आपको कि जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, इस बार क्या माहौल है इलेक्शन होने वाले? ये तन मन धन से सेवा करे लोगों की, कहीं पे पानी पहुँचा रहे, कहीं पे बसों की सेवा दे रहे हैं, और भी बहुत सेवा दे रहे हैं। वो तो ठीक है, वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस का बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ से, वो
सतपाल जी जीते हैं। गड्डी पार हो जाएगी इस बार? बिल्कुल हाँ, इस बार बीजेपी सरकार तो जो है ठीक है, लेकिन कांग्रेस के आगे फीकी पड़ जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश से के प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पे जॉब करते हैं। हाँ, और अब की बार कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी भी है। थोड़ी सी देर में हम और दूसरे लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये कांग्रेस को लेकर जो ये माहौल खड़ा हो गया, या इन पार्टी के जो टिकट में दावेदार हैं उनकी भीड़ है, ये हम देखेंगे, चेक करेंगे। महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी है। आप देख सकते हैं कि ये बैनर लेके बैठी हैं, ये मतलब क्या सोच के कांग्रेस के कार्यक्रम में आई, मैं इनसे एक बार जानने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से आए हैं आप? जुलानी से। क्या सोचकर आए हैं, क्या माहौल है? हमें कांग्रेस की नई सरकार बनावांगे, मोदी को बनाने देख खोजी हमने तो मोदी। जो कांग्रेस के लिए आए हो, कभी दीपेंद्र हुड्डा से, भूपेंद्र हुड्डा से मिले हो? मिले हैं, खूब आए गांव में, कई बार जुलानी में बात करता रहता है। पाछा जय जवान पानी का उद्घाटन कराया, वहाँ भी बात हुई थी, जुलानी में भी मिलते रहते हैं। क्या खास बात लगती है आपको दीपेंद्र हुड्डा में और भूपेंद्र हुड्डा में और कांग्रेस की नीतियों में? कांग्रेस की नीतियों में यह खास बात लागे, वे इसमें ना तो इतने आंदोलन हुए थे, ना इतनी मारकाट हुई, जिसमें किसान आंदोलन तक लेके हमें बहुत तंग पाए। सारी बाणा में रोड़ा पर बैठे थे वे, मारे बाड़क भी डंगर तो मारे घर, बाड़क हमें रोड़ा पर थे, और इस करके वे दीपेंद्र का गला नू लगे। हाँ भाई, तू आने वाली पीढ़ी मारी संसद में बात होनी, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेगा वो हमारा भाई बनेगा। वे दीपेंद्र मारी परिश्मा आया, सारी बात करी वे, सारी बात हुई, और फुलाड़ा गाँव मजूर पे बहुत बढ़िया बतड़ाया छोरा, बतड़ाया तो वे दुष्यंत भी था, फिर तो तड़ेगा नू कोई नहीं था, यू सा लेकर आएगा, आया तो नुए था दुष्यंत भी, जुकराज दीपेंद्र आ रहा, फिर तो तड़ा बासण ना वे घनी हरकत करी, खट्टर की चुंदड़ी ओ ढली, हर वे हमें बिरान कर दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेल पर्सन है वो पगड़ी में आए हैं, और महिलाएं आप कैमरे से देखें, सब ने गुलाबी चुन्नी ओढ़ रखी है, पूरी तरह से जींद जींद की बांगर की धरती को कांग्रेस में हो गई है, और गुलाबी पगड़ी और गुलाबी चुन्नियों से आप देखते हैं कितनी भीड़ है। थोड़ी सी देर में दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, तो उनसे भी हम कोशिश करेंगे जानने की। सब पार्टी के जितने भी दावेदार हैं, सब अपने अपने समर्थकों और अपने अपने होल्डिंगों के साथ आए हैं। दीपेंद्र आएंगे, फिर से बात करेंगे हम। दीपेंद्र हुड्डा और लोकसभा सोनीपत के जो सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी और हिसार के सांसद जयप्रकाश पहुंच गए हैं। बहुत भीड़ है, तमाम जो दावेदार हैं टिकट के वो अपने अपने समर्थकों संग पट्टी लेकर आए हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आपके नंबर बन गए हैं, आप इन पट्टियों को नीचे कर लें, और पूरी तैयारी पूरे लाव लश्कर के साथ अब 2 मिनट के अंदर ये यात्रा चलेगी। यहाँ से चलकर ये करीब 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। देखते हैं यात्रा किस तरह से, कितनी भीड़ है, इनमें काफ़ी लोगों से हमने बात भी की, और बड़े लाव लश्कर के साथ यात्रा चलने वाली है। आप सत्य खबर के साथ बने रहिए, और लेटेस्ट अपडेट खबरों के साथ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दर्शक लगातार सत्य खबरों की मतलब सत्य खबर को देखते रहते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ अब भी लाइव हैं। भाई साहब पसीना आ गया, कितनी देर से हैं आप यहाँ? करिए भी ये लगा लो जी, घंटे से हम यहाँ हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो और नीट करते टाइम ऐसा है जी, देखो बदलाव के लिए टाइम भी जरूरी है। अच्छा, हाँ जी, हम ये चाहते हैं, आज हमारे दिल को इतनी खुशी है कि हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी आज जींद के अंदर पद यात्रा पे चल रहे हैं, और हम बता नहीं सकते भी हमारे दिल को कितनी खुशी है। ये बांगर की धरती है, यहाँ कांग्रेस लंबे टाइम से जीती नहीं, नेता अपना दावा करें, लेकिन आम आदमी इस बांगर की धरती पे इस बार कमल का फूल खिलाएगा, ये पंजे को मजबूत करेगा। नहीं देखिए, 10 साल से कमल के फूल ने तो जी हमारे जींद का भट्ठा गोल कर दिया जी। किस और बात को लेके भट्ठा गोल हो? भट्ठा गोल ये कर दिया, एक तो बच्चों के रोजगार, फिर भ्रष्टाचार, जो हमारे स्थानीय विधायक है ना ही तो वो कार्य करते, हमारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़क सारे बेहाल है, बच्चों को रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आवारा घूम रहे हैं, बच्चे क्राइम का ये क्राइम की तरफ जा रहे हैं बच्चे हमारे, तो देखो बच्चों को अगर रोजगार मिलेगा तो उनकी ज़िंदगी सुधरेगी, उनके माँ बाप की भी जिंदगी सुधरेगी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब खास से लेकर आम आदमी तक इस यात्रा में शामिल है। हम लगातार कई जितने विधानसभा क्षेत्र में अब तक यात्राएं हुई हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं, लेकिन हर यात्रा में समर्थकों की इस पट्टी ने सबको
परेशान कर रखा। मैं अभी वहाँ बैठी थी, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जींद में टिकट किसको मिलेगी। हमने कहा हम टिकट किसको मिलेगी, इस बात का हम ना दावा कर सकते हैं ना पुष्टि कर सकते हैं। ये पार्टी ने को देखना, पार्टी नेताओं को देखना, लेकिन एक लंबी लिस्ट इस जींद में है दावेदारों की। थोड़ी सी देर के बाद एक मिनट के अंदर एड्रेस कर रहे हैं सांसद, एक मिनट के अंदर ये यात्रा चलेगी, इसलिए लगातार आप देखते रहिए सत्य खबर। करीब 5 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा है, एक धर्मशाला है वहाँ इसका जाकर अंतिम पड़ाव है। यहीं से एड्रेस कर रहे हैं सांसद और मेरे साथ एक और वर्कर हैं, इनसे बात करते हैं। क्या माहौल बना रखा है इतनी भीड़? एकदम बिल्कुल गर्म माहौल है, और जो आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में बदलाव की लहर है, सब वर्करों में बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मैं हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। और नेताजी तो तिलक लगाए बैठे हैं, नेताजी बड़ा तिलक विलक लगा के आए हैं इस यात्रा में। क्या लगता है कि यात्रा से बांगर की धरती में कुछ बदलाव आने की उम्मीद है? बहुत ज़्यादा मैडम, बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। जो भाई साहब यात्रा कर रहे हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और युवा हैं, एक एक बात बताओ, कांग्रेस ने हिसाब मांग रही है और इन यात्राओं के तहत समर्थकों का टोला है या आम आदमी भी इस यात्रा में शामिल है? इसमें सभी आम आदमी हैं, ये बीजेपी की तानाशाही सरकार से तंग आ चुके हैं और उससे हिसाब मांग रहे हैं। आने वाला टाइम भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है, 101% हरियाणा में भाई दीपेंद्र हुड्डा सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही, पर आज आपको पता है सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार पे ईडी का छापा पड़ा और उनको गिरफ्तार करके ले गई है। एक एक करके निशाने पे हैं, ईडी के निशाने पे। ऐसे में कांग्रेस सरकार, लगता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है? बीजेपी वाले जी चाहे कुछ भी कर लो, कितने गंदे हथकंडे अपना लो, लेकिन सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की है। ये तो शुक्रिया, थोड़ा सा चलते रहिए क्योंकि यात्रा शुरू हो रही है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम भी कोशिश करेंगे कि यात्रा के साथ साथ ये रथ है। जी, मेरा नाम आशीष गुड़िया जी, और बादली हल्के तार रहे हैं। बादली से आपको वहाँ से यहाँ आने की क्या जरूरत? देख लियो जी, 150 किलोमीटर दूर तार रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बदलाव की लहर चल रही है। अब की बार युवा का एक ही नारा है, भाई दीपेंद्र सिंह सीएम बनाना है और पंचकुला और चंडीगढ़ सीएम की कुर्सी पे बिठाना है और युवाओं को रोजगार दिलाना है, बहुत और हरियाणा को फिर से नंबर वन बढ़ाना है। इतने सारे डायलॉग जोड़ते रहे हैं आप तो, बहुत बहुत शुक्रिया। जोश है, जोश में अपने आप डायलॉग बन जाते हैं, हम नहीं बनाते। आप कहाँ से आए? हमारे जी रोहतक से। जींद में भी अपना, रोहतक में क्या फर्क है जी? नहीं फर्क तो नहीं है, लेकिन जैसे रोहतक में तो दीपेंद्र से आपकी मुलाकात होती रहेगी? नहीं मुलाकात नहीं, हम तो सपोर्ट में है, जींदवाड़ा के सपोर्ट में। अच्छा, अच्छा। पार्टी का तो प्रोग्राम है। अच्छा, रोहतक में तो पक्का है आपका, सब लोग बोलते हैं। हाँ। लेकिन जींद कांग्रेस को गले नहीं लगा रही लंबे टाइम से, जबकि बार लगाएगी, जबकि बार तो जींद से तो MP बन गए अपने, तो दो JP जी बन गए, ब्रह्मचारी जी बन गए, तो सारी विधानसभा जीतेंगे। और MP साहब दो पसीना बहाने लग रहे हैं, यह मेहनत काम आओगी, बेकार नहीं जाओगी। बड़ी गर्मी है, पसीना बहा जा रहा है, रोहतक से पसीना बहाते बहाते यहाँ पहुँचे हैं। नहीं हम तो, मैं तो जींद से ही हूँ। आप जींद से? हाँ जी। जींद वालों को क्यों पसीना आ रहा है? पसीना तो है, गर्मी तो है जी। गर्मी तो है, राजनीतिक पसीना भी है। राजनीति भी पसीना है, गर्मी भी है। और यात्रा करेंगे, वहाँ तक जाएंगे MP साहब के साथ। अच्छा, आप एक बात, बड़ी मुश्किल से एक MP बन गए आप 10 साल के बाद, रमेश कौशिक अच्छी मार्जिन दिया, लोगों का रुझान है। अच्छा। और अब की बार देखना, आप जींद से 5 की 5 सीट आएंगी। अच्छा, इतना पक्का दावा? पक्का। लगातार इन लोगों का दावा है कि जींद की सभी विधानसभा सीटों पर हम जीतेंगे। ये इनके अपने दावे हो सकते हैं कि जीत और हार का जो मार्जिन है, और एक पाजी मिले हैं मुझे, बड़ी मुश्किल से मिले हैं पाजी। और यहाँ के लोकल लोग हैं, यहीं से हैं जींद से? यहाँ से 40 किलोमीटर असन से, करनाल डिस्ट्रिक्ट से। असन से? हाँ जी। आपने असन वालों ने उसको, आपके कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसको हरा दिया?
नहीं नहीं मैम, पता क्या हमारे वो सीएम साहब खट्टर जी ने इतनी ताकत लगाई, राजनाथ जी, अमित शाह, और वहाँ इतना जो मतलब कि खरीदो फरोख्त हुई है, उसके बावजूद 1000 वोट की लीड है सिर्फ सीएम की असंध में। हाँ जी, और विधानसभा में क्या रहेगा ये खरीद फरोख्त, तो वहाँ भी हो सकती है? विधानसभा में तो नहीं जी, बिल्कुल कांग्रेस की हवा है और कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। क्या मुद्दे हैं जिन पे आप ये कांग्रेस को पक्की मान रहे हैं हमारी ही मतलब सरकार आए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस? मुद्दों की तो भरमार है, बीजेपी पार्टी ने इतने जो वादा खिलाफी करी है सर जनता के साथ, ये क्या मुद्दा कम मांगते हो जी आप? इतने बड़े बड़े वादे करके कोई वादा भी पूरा नहीं किया, और हर प्रकार से जनता को, किसानों को, जवानों को जो तंग किया है, उसका जो नतीजा है ये भाजपा सरकार की हार होगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। यात्रा जी बहुत तगड़ी यात्रा चल रही है हुड्डा साहब की, और हर जनता दुखी है मैडम, हर जनता दुखी है इस राज से, सब बदलाव चाहते हैं, और दीपेंद्र जी पूरी मेहनत कर रहे, पूरे वर्कर मेहनत कर रहे हैं। यात्राओं से क्या बदलाव लगता है? कोई यात्रा बिल्कुल बदलाव होने वाला है? बिल्कुल बदलाव होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना असल से यहाँ आए, आपके एरिया में भी तो यात्रा निकलेगी? ऐसे है जी, इतना उत्साह है जनता में सारे में। अच्छा। तो सारे नल गए दीपेंद्र हुड्डा जी के पीछे पीछे आ रहे हैं सारे। क्या क्या खास बात है दीपेंद्र में, क्या खास बात? जो इनका मिलने का तरीका प्यार से गले लग के साथ में मिलते हैं, यही है इनका। कहाँ मिल पाते होंगे इतने? नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह मिले आप? मिले हैं आप? हाँ, मिल के आए हैं रेस्ट हाउस में। लग रहा है मिल के? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो असंध वाली जो जनता है, करनाल लोकसभा लगा लो, जींद का जो डिस्ट्रिक्ट है, जींद की जो धरती है, हाँ जी, बड़ी सूखी होगी, बारिश नहीं हो रही, कांग्रेस की यहाँ छिड़का नहीं लग रहा लंबे टाइम से, अब जाके सिर्फ ये लोकसभा में सीट आई है। अब की बार जो है जी, जींद में से सारी सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी 5 की 5 लेके जाएगी। कैसे जीतेंगी ये देख लेना, आपके सामने जनता तंग है बीजेपी सरकार से। आप जानते हो कि महंगाई कितनी चरम सीमा पे है, किसान कितना परेशान है, दुकानदार कितना परेशान है, रोजगार नाम से जो युवा है वो बहुत परेशान है। आप किन किन बातों का दिखाएं ये जमीनों की? शहर में शहरी वोटर है ना ज़्यादातर, बीजेपी के साथ जाते हैं, आप मानते हैं इस बार? मानते हैं, लेकिन इस बार जो है तंग आ चुके हैं, 10 साल में जो बीजेपी ने जनता को तंग किया रुलाया है, उस हिसाब से ये जो शहरी वोटर है वो भी ये उसी का हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।